चलें बताएं। थूके ना फेंके, पहले बात करें। तो खैर है ना, लोग ऐसे बने किसका पूछे नहीं हमें उसका। बिरयानी तो मुझसे ज्यादा शायद, मैं समझती हूँ हम बहुत अच्छी बनाते हैं। कराची में लोग बिरयानी के फेवरेट भी हैं और फेवर भी करते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मोहम्मद जमशेद। मैंने से पूछा नहीं था, आपने बता दिया। खैर क्या करने आए आप? आपका मूवी तो चुगलियां करने वाले जैसा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी। आपका कौन सा अच्छा है? चड़े, अच्छा, चड़े। चड़े, छोड़ दिया मैंने, कौन सा रस्सा बांधा हुआ, छोड़ दिया। ज़ेब्रा पकड़ने आए यहाँ पे? ओह माय गॉड, ये आपने अच्छी अच्छी चीज बोल गई। जी जी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं सच सही गल दसा, मैं समझो गल बार हुई। इतना बुरा हूं मैं मां। चलें फिर सवाल पे आते हैं ऑडियंस। तो सर आप बताएं, अभी आप करते क्या हैं? सर मेरी ज्वेलरी की शॉप है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल? जी जी। तो उसका क्या फायदा? उसका फायदा ये है कि मेरी 45,000 रुपये सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी है। ये झूठ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। तो खैर आप अपने आप को क्या समझते हैं वैसे? अपने एजुकेशन कहाँ तक है? मेरी एजुकेशन ये भाई के तक ही है, बस पहुँचा कितने तक ठीक हो गया, उसके बाद किसी ने जाने नहीं दिया। बस इसका सॉन्ग का मैं गाने की कोशिश करता हूँ, मैंने खुद के भी लिखे हैं। अच्छा, आपकी इजाज़त हो। ठीक है, जरूर सुनाए। एक मेरा यारा एक वो दियारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू माना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, अपा बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे, ओ यारा मेरे खैर मंगदा मैं तेरी, रब से यारा खैर मंगदा मैं तेरी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, आपका नाम क्या है? अब्दुल हनान। देखिए व्यूअर्स, का नाम अब्दुल हनान है। तो अब्दुल हनान, आप आज क्या सुनाना पसंद करेंगे? बाबा ब्लैक शीप हैनी हैनी फूल, यस सर थ्री बैग फूल, वन नो द मास्टर, वन नो द नेम, वन नो द लिटिल बॉय, वन नो द नेम। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो अब्दुल हनान, आपकी एज क्या है? अब्दुल हनान एज क्या, कितने साल के हो आप? 5 इयर्स के। देखिए ये 5 इयर्स के अंदर देखिए कितनी अच्छी पॉइंट्स सुनाई है इन्होंने। तो सर आपका क्या नाम है? हाजी वहीद। ठीक है, ये हाजी वहीद इनके बेटे हैं। और आप यहाँ पे क्या एंजॉय करने हैं? एंजॉय करने हैं, मौसम काफ़ी अच्छा था, हमने कहा फैमिली के साथ चलें बाहर एंजॉय करके आएँ। आज लाहौर का मौसम वैसे ही बड़ा प्यारा था, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। बहुत अच्छे। और वैसे आप क्या करते हैं? मेरी कपड़े की शॉप है। कपड़ों की शॉप है? कपड़ों की शॉप कैलवरी ग्राउंड में। कैलवरी ग्राउंड में, बहुत अच्छे। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं, मेरा नाम रियाज। रियाज सर, खाली रियाज है और रियाजुल हक। रियाजुल हक आज हमारे साथ हैं। रियाजुल हक, और रियाजुल हक साहब आप क्या करते हैं? जी हम बस शॉप चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस चलाते हैं, क्या बिजनेस है आपका? कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक्स का, बहुत अच्छे। और क्या एज आपकी? एज 22। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बस यहाँ आए थे इतवार दिन, तो चक्कर लगाए, शुगल वगैरह लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो फैमिली के साथ हैं? बस दोस्तों के साथ आया हुआ है। जी सर, बहुत अच्छे। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे कोई जनरल नॉलेज वाला सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब दे पाएंगे? कोशिश तो कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो आपके लिए सवाल ये है कि वो जानवर हैं जो उल्टी नहीं कर सकते? उल्टी नहीं कर सकते, यह तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सोच लेते हैं। सोचे, मेरे ख्याल से कौन सा हो सकता है ये तो, और पेड़ में ये कुछ इस तरह के हैं जो मतलब रोजमर्रा में आप देख भी सकते हैं, ये घरों अच्छा, में भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये आपको सर और पूछ ले। अच्छा चले, इनसे ये वाला जवाब तो नहीं दिया जा रहा, चलो आपसे एक और पूछते हैं। अच्छा, तो वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? बाहर नहीं, आप जानवरों से हट के भी पूछ सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मोहम्मद हफीज। क्रिकेट वाले नहीं, दूसरे दूसरे
अच्छा आपका क्या नाम? नवीद सियाल। नवीद सियाल, और आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, अच्छा तो आप सारे दोस्त हैं? अच्छा तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? घूमने फिरने के लिए बस, और कुछ नहीं? और कोई मिशन? खाने पीने भी नहीं? नहीं खाना पीना तो है, उसके बिना रह सकते हैं। तो और आप वैसे क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? बीएससी कर रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छे। मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब कर? फर्स्ट फ्लैट कोरियर है, उसमें करता हूँ। फर्स्ट फ्लैट कोरियर है, उसमें जॉब करता हूँ। बहुत अच्छे। और आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? एफएससी। एफएससी, बहुत अच्छे। तो चलें आपसे थोड़ा हॉट टॉपिक वाला सवाल पूछते हैं। तो आपको ये जो हनी आमिर और आसिम अजहर का थोड़ा सीन चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा अंदाजा है या आप मरीख पे रहते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं हमें अंदाजा नहीं। मरीख पे रहते हैं? नहीं दुनिया पे ही रहते हैं। अच्छा चलें ठीक है। तो आपसे थोड़ा हम जनरल नॉलेज वाला सवाल पूछ लेते हैं। तो वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? सब जानवर निकालते हैं बाहर जुबान। एक जानवर है जो नहीं निकाल सकता। नहीं आइडिया, कौन सा ब्लॉग्स? सब जानवर निकालते हैं यार। जी नहीं, एक बकरी तो नहीं है? नहीं निकालती नहीं है। अलीजा शर्माने के अलावा क्या करती? कुछ भी नहीं, घर के काम वगैरह होते हैं जो वही। थक नहीं जाती? कुछ ना थकते तो है ही, जाहिर सी बात। और आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ मेहंदी की, इचरे में जॉब करती हूँ। हाँ जी, सेंटर में, इचरे बाजार में, मून मेहंदी सेंटर पे जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा, खैर मैंने देखा नहीं ना, मुझे इजाजत है वहाँ जाने की, जो भी है। खैर बहुत अच्छे। तो आपको जो हानिया आमिर और आसिम अजहर का जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में कुछ भी आइडिया है या अमरीक पे रहते हैं? नहीं हमें नहीं आइडिया। तो ये जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है फिरदौस आशिक मान का थप्पड़, उसके बारे में भी आइडिया नहीं है? इससे पूछे नहीं हमें उसका भी नहीं है। तो अमरीक के कौन से इलाके में रहती? ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा खैर चलें, आपसे हम पूछते हैं कुछ जनरल नॉलेज वाला सवाल। तो ऐसे कौन से दो जानवर है जो उल्टी नहीं कर सकते? कौन से हैं? चिड़िया। कौन सी है? नहीं जहन में आ रहा। बंदर? कभी नहीं की। अच्छा खैर, अच्छा खैर। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं हिना। आपके खाली हिना कि आगे भी कुछ है? नहीं आप लगाना चाहें तो मिसेज के तौर पर कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं मिसेज ही, वो हो लगूना है वो और बात है। क्या बात है। तो ये कौन है? आपका क्या नाम है? अरीबा। अरीबा, तो ये आपकी बहन? ये मेरी कजन है, हम मामू की बेटी है। अच्छा चले, तो आप कहाँ से हैं? हम कराची से हैं। कराची से? कराची नहीं, उड़ के तो नहीं आई। वैसे तो मैं सोच के आई थी, मेरा तो ये थीम था कि मैं ये सोचूंगी थी उड़ने का नहीं। सॉरी सर, उड़ने तो जब जाएंगे जब अच्छा कुछ फील करेंगे। देखो अभी पता क्या था, कराची का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा था, गर्मी बहुत थी। हमने सोचा लाहौर आएंगे अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ आए तो हम कराची को भी मात कर दी हमने। ऐसा गंदा माहौल देखा, हॉट हॉट देखा, हॉट नहीं ऐसा ही ऐसा देख कर फिर ऐसा लगा। फिर सुबह को अल्लाह ने दुआ कबूल की, क्योंकि कराची में कल रात को बारिश हुई है तो यहाँ भी हो गई सुबह। मॉर्निंग की जब बारिश देखी तो बहुत अच्छा लगा, और जब थोड़ी सी देर के बाद गर्मी ने ऐसा स्टार्ट लिया कि बस तबीयत हरी हो गई, जैसे हम कौन से पार्क में गए थे, हरी भरी हो गई मेरी तो, ऐसी हो गई बाहर आइस भी देखें अब तो खराब हो गई, इरिटेट हो गई। ऑब्वियसली दोपहर को निकलेंगे, गर्मी लगी तो फिर हम किस टाइम निकले? कर ये तो तो लाहौर का अभी अभी भी तो कभी भी बदल जाता है महबूब की तरह, कभी मिनटों में महबूब की तरह मूड चेंज कर लेता, स्विंग करता है बहुत जल्दी। कभी देखो तो गर्मी, कभी देखो तो ठंडक, ऐसा यही तो स्पेशलिटी है। नहीं लाहौर को मैंने सोचा आके, ये तो कराची में डिफेंस और ये सारे एरियाज है ना ऐसे ही है सेम सेम। जब मैंने यहाँ के देखा लिबर्टी पे तो मुझे डिफेंस की फीलिंग आई, फिर मैंने कहा ये तो कराची की तरह, लाहौर का क्या आने का फायदा हुआ, हॉट भी ऐसा ही, कराची में फीलिंग्स भी ऐसी ही, तो फिर क्या फायदा। लेकिन बट थोड़ी देर बाद चेंज होना शुरू हो गया, लोग बहुत अच्छे हैं, आवाम बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कराची इससे थोड़ा सा हटकर है। और खाने वगैरह ट्राई किए हैं यहाँ? खाना तो हमने देखा ही नहीं, फूड स्ट्रीट पे गए तो फूड स्ट्रीट बंद थी, और हमने दाता साहब की वहाँ पे गए, बाजार पे गए, बहुत अच्छा देखा, व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत मौसम अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। और बाकी चलिए एक कॉन्ट्रोवर्सियल सा सवाल पूछते हैं, बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिरयानी तो मुझसे ज़्यादा शायद मैं समझती हूँ, हम बहुत अच्छी बनाते हैं कराची में, लोग बिरयानी के फेवरेट भी हैं और फेवर भी करते हैं उसको, और बहुत अच्छा। हमारे को कुछ नहीं अच्छा लगता, संडे में हम स्पेशल बिरयानी को प्रेफर करते हैं। किसी को यहाँ की बिरयानी खा के कैसा लगा? अभी तो खाई नहीं है, खिला दें कोई है कोई खिलाने वाला?
चले जरूर आपको कोई ना कोई तो खिलाएगा। खैर चले। अच्छा वैसे आप करती क्या है? कुछ नहीं करते, वो लोग कमाल करते हैं, मतलब कुछ भी हम वो करते हैं। थक नहीं जाती कमाल करते? नहीं नहीं कमाल करते रहना चाहिए ना, स्ट्रगल तो चलता रहता है लाइफ में, कभी अच्छा कभी बुरा। क्या बात है, चलें शेयर कर रहा है आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। खैर चलो आपसे एक जनरल नॉलेज वाला सवाल पूछते हैं, तो आप ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता, मेरे ख्याल में तो ये इंसानों की और जानवरों की कैटेगरी सबकी एक ही है, सेम सेम। नहीं लेकिन एक जानवर है जो जो अपनी जुबान नहीं बाहर निकाल सकता है, मैंने तो आज तक दिखा ही नहीं सीरियसली। मैं तो जितने भी दिखाए थे वो हमारे सामने जुबान ही निकालते साले। जितने अच्छे भी होते हैं तो भी। मास्क उतार के ट्राई करना था। ट्राई करूं मास्क उतार के? मेरी जुबान तो बहुत लंबी है, देखे नहीं रहे बोल कितना रही। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नजर भी आ रहा है। खैर चले, हार मानी आपने? नहीं क्यों, हार तो नहीं मानी। तो बताए फिर कौन सा? हाथी है। हाथी? नहीं तो अभी इसने करा ना फेवर, इसलिए चले हार नहीं मानी। वैसे फिर बोल दे आप। हार नहीं मानी तो मैं क्यों बताऊं, इस तरह तो मेरे पे आ जाएगी। चलो इन्होंने हार मान ली, मैंने मान ली, बस सही है। सवाल ही और। चले आप, चले मानी। मैंने नहीं अंदर से नहीं मानी, दिल से। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं खिजर खान। खिजर आपको शर्म आ रही है? नहीं शर्म तो कैमरे में देखे ना। शर्म किस चीज की मेरे भैया, तो नीचे क्यों देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? खिजर। खिजर, अच्छा और आपका क्या नाम है? मुदस्सर अली। मुदस्सर अली जी। अच्छा तो आप दोनों दोस्त हैं जी। तो यहाँ क्या करने हैं? इंजॉय। इंजॉय जी। क्या इंजॉय, क्या मतलब? लॉकडाउन के बाद काफी दिनों बाद यानी कि पार्किंग खुली है, इंजॉय तो करना बनता है थोड़ा बहुत। क्या बात है। अच्छा तो वैसे करते क्या आप दोनों? मैं स्टडी करता हूँ, ये भाई काम करता है कब तक। अच्छा तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में ऑटो डीजल का डिप्लोमा कर रहा हूँ टेक्निकल कॉलेज में। और आप? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम जी। किस तरह का? लेडीज कपड़े का, बाहर चाइना से माल आता है, यहाँ पे सप्लाई करते हैं। चाइना से माल आता है तो चाइना का माल वो थोड़ा खराब नहीं होता? नहीं कोई इशू नहीं होता, बीच में आता है कि उसकी वापसी नहीं होती, वो हम खुद यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। गरीब लोगों को दे देते हैं वो, ऊपर नीचे करके रेट का थोड़ा सा मसला पड़ जाता है। और अच्छा, बात तो खैर, और आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी मतलब यहाँ पे खाया पिया है, यहाँ सिर्फ ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं? खाया पिया तो है अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीना तो है ही है, ये तो आपको देख के लग भी रहा है। अच्छा तो खैर आपसे हम एक जनरल नॉलेज वाला सवाल पूछते हैं, तो ऐसे कौन से दो जानवर हैं जो उल्टी नहीं कर सकते? उल्टी नहीं कर सकते? हाँ जी। कौन सा होगा? आपको आइडिया है? आप तो कह रहे हैं स्टडी करने, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। उल्टी नहीं कर सकते, उल्टी उनको वो कर ही नहीं सकते, उनको आती नहीं है। चिड़िया? चिड़िया तो नहीं है, चिड़िया तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं चिड़िया भी करती है ना यार। वो शेर वाला आप पूछ सकते हैं कि कौन सा बादशाह जिसका घर नहीं होता? वो तो आप खाबंद को भी कह सकते हैं। जो भी है आप बताएं। कह रहे हैं कि कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता, आप बता दें। अच्छा ऑब्वियसली आपने खुद ही थोड़ी देर पहले बताया शेर। अच्छा तो आपको नहीं जवाब बताओ? नहीं जवाब से शेर सुन लें। शेर? सब शेर सुनाते हैं पंजाबी में, सुनाऊंगा उर्दू में। तो आप पंजाबी में शेर सुनाना पसंद करेंगे? ठीक है सुनाइए। सिगरेट शोक पींदे आदि नहीं, जज्बात दबांदी है मैं तां पीना, अद्धी रात दे वेड़े शाजी मैं पागल नहीं, उंदी याद सतांदी है मैं तां पीना, ओ मैं को पता है सिगरेट विच मिलना कोई नहीं, ऐ जज्बात दबांदी है तां पीना, ऐ सिगरेट विच कोई हिकमत नहीं, ऐ ये दाश बुलांदी है मैं तां पीना। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे नशेई लग रहे हैं। तो सिगरेट कौन सा पीते हैं? नहीं नशेई तो नहीं है, बस कुछ छोड़ जाने वाले का कम था बस। क्या बात है। तो क्या उसने पैसे नहीं दिए कपड़े लेके? नहीं पैसों की बात, पैसा तो शुक्र अल्लाह का बाप ने इतना दिया कि हम पूरा नहीं कर सकते अपने ऊपर। ठीक है, ये है कि एक चीज मांगी थी मोहब्बत के लिए, वो मिली नहीं है, साथ चाहिए था जिंदगी। आप कोई पैगाम देना पसंद करेंगे आम टीवी के जरिए? आम टीवी के जरिए जो बेवफा उनों की लानत। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा तो चले आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आपके लिए जनरल नॉलेज का सवाल है। जी जी फरमाएं। चलें बताएं। थूके ना फेंके पहले बात करें। तो खैर है ना लोग ऐसे बने। खैर जो जी बात जी। है तो सर आप ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? आप वो फिल वक्त तो नहीं निकाल रहे मुझे लग रहा है। आप नहीं निकाले, सवाल करिए ना, जुबान निकाल के। ठीक हो गया, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मेरे अलावा बताएं कौन सा जानवर है जो जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? वो ही होगा जिसकी काटी होगी। ये भी सही है, लेकिन उसके अलावा जिसकी कटी हुई भी नहीं है। कटी हुई भी नहीं है, जुबान नहीं है जिसकी? जुबान है जरूर लेकिन अच्छा। वो निकाल नहीं सकता। उसके कोई पीर साहब होंगे निकालने की इजाजत नहीं होगी। किसी का मरीज होगा वो?
ये भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो मरीज भी नहीं है यार, आई डोंट नो। लेकिन आप अपने बारे में सोच रहे तो वो छोड़ दे, आपकी बहुत बाहर है। खैर तो इसका आई लाइक इट, इसका जवाब ये है, आपने कभी मगरमच्छ को जुबान निकालते देखा? कभी नहीं देखा यकीन। मगरमच्छ ही वो जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता। मन आपका मुंह से ऐसा जबरदस्त, थैंक यू सो मच। खैर हम जो मेन है, हम यहाँ पे लोगों से थोड़े जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं, चलें आपसे भी पूछते हैं। तो आप बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता? वल्लाह आलम नहीं, थोड़ा थोड़ा गौर करें, थोड़ा ज़हन घुमाएं। नहीं, इतना जनरल नॉलेज नहीं है। तो जवाब ऐसा है, आपने कभी मगरमच्छ को जुबान निकालते देखा है? हाँ जी, मगरमच्छ वो भाई जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, अच्छा खैर जो भी है। तो इस पर मगरमच्छ भाई जानवर है जो अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकता, कभी और क्या आपने? चले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। हार मानी आपने, जाहिर सी बात है। चूहे और घोड़े ये दोनों जानवर है जो उल्टी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। तो मैं आपको जवाब देता हूँ, मगरमच्छ क्यों वो जुबान ही निकालता? उसका वो मुंह कितना बड़ा होता है, जुबान कहाँ से? अरे वो जुबान निकल के तो बंदे को पूरा खा जाते है, हमारे यहाँ तो इंसान खा जाते, तो मगरमच्छ नहीं है। मुझे सही जवाब नहीं लगा, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आप सर्च सर्च करूंगी। मैंने तो देखा वो जुबान निकल के पूरा लोगों को खा जाते। मगरमच्छ नहीं होते वो, नेवले होते, यहाँ तो इंसान है नेवले। कभी कराची आए ट्राई करवाइएगा, एक एक एरिया ट्राई करवाऊंगी आप लोगों को। आएंगे कब आ रहे हैं? बहुत जल्द, बिरयानी तो खिलाएं पहले, वहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। जरूर, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आई जब से स्टेशन से बैठी। मेरा एम था, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले लाहौर इस्लामाबाद मरी देखूं। लोग दुनिया देखना चाहते हैं, मैंने ये सोचा था, क्योंकि अपने मुल्क से, क्योंकि अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत शायद ही किसी को होती है, लेकिन मुझे बहुत है। आज हम वाघा बॉर्डर पे गए, हमें मिलने नहीं दिया गया क्योंकि हमारे पास शायद रेफरेंस नहीं था, या हमने इनलीगल काम करके हम वहाँ पहुँच गए थे क्योंकि हमने कोर्ट शायद चेक नहीं कराया था। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कराया था तो थोड़ा सा हमें फेवर मिल जाती कराची के थ्रू, लेकिन नहीं मिली, कोई बात नहीं, ये भी बुरा लगे, लेकिन कल हम जाएंगे। लेकिन एक बात है, वाघा पे जाके मेरे दिल की फीलिंग्स इतनी है, वो थी इमोशनल, कि हम सब चाह रहे थे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत हर कोई करता है, चाहे वो ये हो लाहौर, चाहे कराची हो, कोई भी बात हो, चाहे गाँव ही क्यों ना। और देख एक बात बोलूं, सिंध धरती अल्लाह के कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, दिल है पाकिस्तान, कदम कदम आबाद। ठीक है, इसी के नारे के साथ जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान और जिंदा पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम शो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और मजीद इस तरह के शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है PYAMTV.com।